Good morning friends, my name is Rohita Sohil from Seeker Academy Officers. से आज हम आपके बीच क्लास 7 का 6 नंबर पार्ट लेके प्रेजेंट हुए हैं. लास्ट डे तक हमने पार्ट नंबर 5 तक कंप्लीट किए. आज हम पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं. सो आई होप टोटल स्टूडेंट्स कंप्लीट योर होमवर्क एंड स्टार्ट दिस लेसन अगेन. बात करें हम आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट डे तक हमने एक्सरसाइज 2.2 तक फिनिश कर दिए और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी. तो हम आज एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी और कुछ फ्रैक्शंस के अंदर उनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी. किसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, किसी में डिवाइड, प्लस माइनस, जो कुछ भी हो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोलेगी आपसे. सो स्टार्ट दिस लेसन फर्स्ट. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फ्लोइंग. जो भी आपको नंबरिंग दी गई है उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए. उनकी क्या फाइंड कीजिए, वैल्यू. यानी जैसे आपको कुछ नंबरिंग दी जाए, जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट की बात करूं तो आपको बोला गया 12 डिवाइड 2 अपॉन में 3, कुछ ऐसा नंबरिंग दिया गया. इस नंबरिंग का अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमारे पास टू टाइप्स है. इसके अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में आप 1 डाल सकते हैं. इसका मीनवा इस पूरे नंबरिंग के अंदर सेकेंड नंबरिंग का पूरे का क्या करना होगा जी, डिवाइड. इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास टू मेथड है. पहले फर्स्ट वाला मेथड देखिए. फर्स्ट वाला मेथड स्टार्ट करने के लिए जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन उसको आप राइट कीजिए, अगर डिवाइड का सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर दीजिए मल्टीप्लिकेशंस में. और जब भी मल्टीप्लिकेशंस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड स्टेप के अंदर जो फ्रैक्शन हो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. क्या हो जाता है जी, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन होता है जी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में. इसके बाद जो वैल्यू आपस में कटिंग हो उनको क्या कर दीजिए जी, कट. 2 1 जा 2 2 6 जा 12. लास्ट के अंदर सॉल्यूशन कर दीजिए, 6 का 3 से क्या 18, 18 में 1 का डिवाइड किया 18, तो आपका आंसर क्या आ गया जी 18. ये था जी आपके पास फर्स्ट मेथड. बात करें हम सेकंड मेथड का. सेकंड मेथड के अंदर हम बात करें तो सेकंड मेथड सेम यही चीज वापिस रिपीट करेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंज है वो देखिए. जैसे अंदर आपको बोला था 12 अपॉन में 1 पूरे में डिवाइड कर रहे हैं, मैंने डिवाइड का सिग्नल डाल दिया और 2 अपॉन में 3, यही बोला गया था आपसे. जब भी हमने पढ़ा है किसी नंबरिंग के अंदर डिवाइड हो तो जैसा फर्स्ट नंबरिंग है उसको डाल दो, सेकंड नंबर यानी ये वाला नंबर अपॉन में, इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस में आएगा थर्ड नंबर यानी 2, और जो फोर्थ नंबर होगा वो चला जाएगा जी अप में. जब आप इसको भी वापस कट करोगे तो आंसर वापस क्या आने वाला है जी 18. आप पे डिपेंड है, आप इसमें चाहे फर्स्ट मेथड यूज करें चाहे सेकंड मेथड, आंसर दोनों में क्या आएगा जी सेम. आप पे डिपेंड है आप इसमें कौन सा मेथड यूज कर सकते हो. इसी तरह से आगे इसके क्वेश्चन डाले गए हैं वो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं. जैसे इसका अगर एक सेकंड पार्ट और करना चाहें, ये था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो आपसे बोला गया 5 डिवाइड 3 एंड 4 अपॉन में 7. मैंने आपसे बोला था कि जब इसके अपॉन में कुछ नहीं है किसी नंबरिंग के तो अपॉन में 1 डाल दीजिए, क्योंकि एनी नंबर्स डिवाइड बाय 1 नो चेंज. यानी अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो उसमें कोई चेंज नहीं आता जी. अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहें हम तो 5 अपॉन में 1 डिवाइड का सिग्नल फ्रैक्शन है जी मिक्स, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर बोले सिंपल, 7 3 जा 21 21 और 4 25 25 अपॉन में जी 7. इसके बाद मैंने आपसे बोला था आसान सा मेथड है, डिवाइड के सिग्नल को मल्टीप्लिकेशंस में कन्वर्ट कर दीजिए और आगे वाले नंबरिंग का रेसिप्रोकल कर दीजिए. रेसिप्रोकल्स का मीन होता है व्युत्क्रम या उल्टा. उल्टे का मीन होगा अगर आपके पास न्यूमिनेटर है तो उसमें उसको डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर उसको न्यूमिनेटर में क्या कर दीजिए जी, कन्वर्ट कर दीजिए.
तो डिनोमिनेटर को हमने बना दिया न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को हमने बना दिया जी डिनोमिनेटर। जो वैल्यू आपस में कटेंगे उनको क्या कर दीजिए कट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसका आंसर आ गया जी 7/4 में 5। ये भी आपका आंसर है। अगर इसका आगे सॉल्यूशन करना चाहे तो 7 5 का डिवाइड 5 1 जा 5 रिमेन 2, 2 चला जाएगा अप में और डाउन में आ जाएगा जी 5। ये भी आपका क्या हुआ जी आंसर, आप पे डिपेंड आप कौन सा भी मेथड यूज कर सकते। ये थी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बात करें सेकंड, क्वेश्चन नंबर बात करें हम सेकंड की, तो सेकंड में आपसे बोला गया फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। जो आपके पास फ्रैक्शन है उनका रेसिप्रोकल कीजिए। रेसिप्रोकल्स मीन होता है व्युत्क्रम, अभी मैंने आपसे बोला गया था आपको करना है जी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन होता है व्युत्क्रम, क्या होता है जी व्युत्क्रम। अगर आपको नंबरिंग दिया जाए 3/7, 3/7 यानी रेसिप्रोकल का मैं मीन लिखना चाहूं तो आप लिखोगे जी व्युत्क्रम, या इसका अदर नेम बोलेंगे उल्टा। हम इसे ऑपोजिट बोलते हैं। 3/7 है तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल दिस नंबर या दिस नंबर, दिस नंबर या दिस नंबर। मैंने आपको बोला इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो 7 अप आ जाएगा 3 डाउन आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड टोटल रेसिप्रोकल्स में आप इसको खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर कहीं पे डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, थर्ड के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड कर लीजिए आपको। वैल्यू फाइंड करने का मीन हुआ कुछ ना कुछ आपको फ्रैक्शन दी जाएगी और नंबरिंग दी जाएगी, उनके मिडल में डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन का सिग्नल होगा और उनको आपको क्या करना होगा जी सॉल्व। तो चेक करें तो एक क्वेश्चन में आपके सम लेना चाहूंगा 4/3/7 डिवाइड बाय 7। सॉल्व करें तो आपने बोला ये मिक्स फ्रैक्शन है इसमें कन्वर्ट कर दीजिए जी सिंपल में, तो 7/4 28 28 और 3 31/7 डिवाइड का सिग्नल 7 अपॉन में कुछ नहीं, मैंने समझने के लिए क्या डाल दिया जी 1। मैंने आपसे बोला था जब भी किसी डिवाइड को चेंज करना चाहो मल्टीप्लिकेशंस में तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो 1 अप चला जाएगा 7 आ जाएगा जी डाउन। ये नंबरिंग आपस में कोई मल्टीप्लिकेशंस नहीं हो रहा है इसका मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 31 का 31 7 7 का होता है जी 49। ये आपका क्या हुआ जी आंसर। दिस टाइम क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है जी सेम, आप उन पे ट्राई करना क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर पाओगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहें तो आप सबको लगे फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड कीजिए यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है जी सेम रिपीटेशंस में है, उसको भी आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हो। फिर भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आगे आप खुद सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने डाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है फाइंड वैल्यू, मैंने लिख दिया फाइंड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर इसका अगर आप फर्स्ट या सेकंड जो भी कुछ पार्ट सॉल्व करना चाहें तो मैं आपके सामने एक पार्ट रख शो कर रहा हूं, तो पार्ट है जी 7/3 डिवाइड 8/7। सिग्नल है जी डिवाइड का कन्वर्ट कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन में, तो फर्स्ट फ्रैक्शन सेम का सेम, सिग्नल को हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमिनेटर को हमने कन्वर्ट कर दिया डिनोमिनेटर को हमने कन्वर्ट कर दिया न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को हमने कन्वर्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। अगर कोई वैल्यू आपस में कट हो जाए कटिंग कर दीजिए वरना मल्टीप्लिकेशन 7/7 जाते हैं जी 49 और 8/3 जा 24। ये भी आपका आंसर राइट है। अगर आगे सॉल्यूशन करना चाहो तो 24 2 जाते 48 रिमेंट रहे जी 1 अपॉन में आ गया जी 20।
नंबर 5 के अंदर आपसे दिया गया है जी, इफ 6 रोटी या चपाती, एवरी चपाती इज डिवाइड इनटू 1/4 पार्ट, प्रत्येक चपाती को 1/4 पार्ट में क्या किया गया जी, डिवाइड, देन व्हाट विल बी नंबर्स ऑफ पार्ट्स, तो नंबर्स ऑफ पार्ट फाइंड कीजिए, जो आपको दिया गया है वो राइट कर सकते हो आप। तो आप पहले राइट करो टोटल चपातीज, टोटल चपातीज कितनी है जी, 6, मैंने कहा टोटल चपाती, चपाती बोले ही, या आप बोल सकते हो रोटी, क्योंकि रोटी और चपाती के दोनों का मीन क्या होता है जी, सेम, टोटल चपाती कितनी है जी, 6, टोटल चपातीज आपको दी गई है जी 6, टोटल चपाती। Total chapati is 6. Every part, मैं लिखा every part of chapati. 1/4 part. आपसे बोला है numbering of total part, तो आप लिखोगे numbers of total part. मैं लिखा number of total part. नंबर ऑफ टोटल पार्ट का मीन होगा, अगर आपके पास टोटल 6 चपाती है तो उसमें डिवाइड कर दीजिए किसका जी, 1/4, यही हुआ। जैसे ये आपके पास एक सिंगल चपाती है, सिंगल चपाती का मीन हुआ आपके पास एक चपाती है जिसके ये 1/4 यानी 4 पार्ट कर रहा है, कितने पार्ट कर रहा है जी, 4, और इसमें से आपको ये एक सिंगल पार्ट दे रहा है, तो ये बोल रहे हैं ऐसे टोटल 6 का कितना होगा, तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लिकेशन बोले, तो मैंने बोला 6 अपॉन है, तो मैंने इसके अपॉन में 1 डाला, डिवाइड डाल दिया 1/4, सॉल्यूशन करें तो 6 का 6 अपॉन में 1 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4 अपॉन में 1, 6 को आप जब 4 से करो तो 24, तो टोटल कितने पार्ट्स होंगे जी, 24 पार्ट्स होंगे, कितने होंगे जी, 24 पार्ट्स। कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, इजी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर पहले आप स्टेटमेंट स्पीक कीजिए एक बार और ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे बोला गया है, फ्रॉम 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन, आपके पास एक रिबन है जिसकी लेंथ है वो 11.5 सेंटीमीटर, आगे बोला गया How many pieces of 1/2 centimeter long ribbon can be cut? उसमें से 1/2 centimeter length की कितनी ribbon के पीस कट हो सकते हैं? ये पूछा गया। जो जितना आपको दिया गया वो एक बार राइट कर लीजिए। तो पहले आप लेंथ राइट कर लीजिए, लेंथ ऑफ टोटल रिबन। तो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ रिबन कितना दे रखा है जी, लेंथ ऑफ रिबन आपको दे रखा है 11.5 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया कट पीस, तो मैंने लिखा कट ऑफ रिबन लेंथ वो दे रखा है जी आपको 1/2 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया नंबरिंग ऑफ नंबर ऑफ कट रिबन, नंबर ऑफ कट रिबन का मीन हुआ जैसे आपके सामने ये एक टोटल लेंथ की रिबन है, इसमें से ये इतने इतने कितने कट कर सकता है ये पूछा गया है, यानी जितने टोटल लेंथ की रिबन है उसमें से ये 1/2 सेंटीमीटर की क्या कर रहा है कटिंग कर रहा है, तो आपसे बोल रहा है कितने इसमें पीस बने हैं, यानी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीस या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीस। तो जो आपके पास नंबरिंग है उसके अंदर जितने का पीस होता है उसका क्या कर दीजिए जी, डिवाइड, सॉल्यूशन करें तो मिक्स फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट कर लें जी, सिंपल में 11 2 जा
मल्टीप्लिकेशन में करो क्या, टू अब चला जाएगा डाउन, वन आ जाएगा। टू से टू क्या जी का कितने पार्ट होंगे जी, 23 पार्ट्स। कितने पार्ट होंगे, 23 पार्ट्स। कर सकते हो सॉल्यूशंस, इजी है जी, कर सकना। जो क्वेश्चन आपको नया है वो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना जी। हाँ जी, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है 25 टी शर्ट, 25 टी शर्ट ऑफ इक्वल साइज, 25 टी शर्ट आपके पास जिनका साइज है वो इक्वल है, यानी एक जैसा है, वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 30 and 5.9 meter क्लॉथ, फाइंड द क्लॉथ ऑफ यूज इन वन शर्ट। वन शर्ट के अंदर आपसे पूछा गया है, आपको नंबरिंग ऑफ टोटल दे रखा है टी शर्ट का 25, तो हमने बोला जितना आपको क्वेश्चन दिया गया उतना क्या कर लीजिए जी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मैंने लिखा नंबर ऑफ टी शर्ट, नंबर ऑफ टी शर्ट कितना दे रखा है जी, नंबर ऑफ टी शर्ट आपको दे रखा है जी 25। आपसे बोला गया है यूज टोटल लेंथ, तो मैं लिखा यूज टोटल क्लॉथ ऑफ इन टी शर्ट, इन टी शर्ट कितना दे रखा है जी, यूज आपको दे रखा है 30 and 5.9 meter। आपसे बोला गया है लेंथ ऑफ वन टी शर्ट, लेंथ ऑफ वन टी शर्ट। हमने पढ़ा है जी, जब कभी हमें लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू के बारे में पूछे, यानी लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू के बारे में, तो हमेशा हम करते हैं जी डिवाइड। क्या करते हैं जी डिवाइड, इसके अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 30 and 5.9, इसके अंदर आप डिवाइड कर दीजिए जी किसका 25, अपॉन में कुछ नहीं, मैंने समझने के लिए अपॉन में कर डाल दिया जी 1। जब आप इसका सॉल्यूशन करें, तो जब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो कितने हुए जी 270, और 5 ऐड करने से 275/9, डिवाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, 1 अप चला जाएगा, 25 डाउन आ जाएगा। जो वैल्यू आपस में कटिंग और एम का क्या कर दीजिए जी कट, तो 25 बचा 25, रिमाइंडर है 2, डाउन ऑफ 5, 25 बचा 25। जब 9 को 11 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, 11 9 को 1 से किया 9, ये आ गई जी इसकी लेंथ, इसमें मीटर में। अगर इसका आगे सॉल्यूशन करें तो 9 बन जा 9, रिमाइंडर है 2, 2 अप चला जाएगा, 9 कहां जाएगा डाउन, ये भी आपका आंसर है जी, और ऊपर वाला भी आपका क्या जी आंसर, जो आपकी चॉइस हो वो राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ, अगर आप दोबारा एक बार रिवाइज करना चाहें तो रीडिंग कर सकते हैं फास्ट। हां जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे क्या दिया गया है जरा एक बार रीड करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे दिया गया है रेसी कैन 20 मीटर लॉन्ग टॉप इन टू पीसेज ऑफ लेंथ 3 and 1.3 meter ईच, हाउ मेनी पीसेज ऑफ रूफ डिड ही गेट। यानी आपके पास एक रेसी नाम का लड़का है जिसके पास एक टॉप के ऊपर 20 मीटर लेंथ का रूफ है, जिसके अंदर वो एक पीसेज लगाता है जिसकी लेंथ है 3 and 1.3 meter, तो आपसे बोला गया है हाउ मेनी पीसेज, तो ऐसे कितने पीस होंगे उस रूफ के ऊपर। तो नंबरिंग चेंज है, क्वेश्चन सेम वही है, इसके अंदर आप खुद डिवाइड वाला मेथड यूज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस पे आप ट्राई करना है एसी और होमवर्क। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पूजा परचेज 7.5 kg शुगर फॉर 48 and 3.4 rupees, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg। पूजा नाम के घर से जिसने 7.5 kg शुगर परचेज की, तो जितना आपको दिया गया वो राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा पूजा परचेज शुगर कितना जी
7 and half kg. Next बोला गया है 4, 48 and 3/4 rupees. तो आप लिखोगे total spent amount कितना जी 48 and 3/4 rupees. देख लिया गया है, आपसे बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg sugar. तो आप लिखोगे 1 kg sugar cost. Sugar cost. अभी मैंने आपसे बोला जब भी आपको लार्ज नंबर का देखे स्मॉल नंबर के बारे में पूछे क्या करते हैं जी डिवाइड, तो आप इसमें भी डिवाइड कीजिए. तो मैंने कहा 40 and 8 and 3/4 डिवाइड करना होगा 7 and half. कौन सी फ्रैक्शन है जी, मिक्स किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल में. जब सिंपल में कन्वर्ट करना चाहे तो जब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन 4 2 4 8 32 रिमेन 3 4 4 16 और 3 19 और प्लस नहीं किया हमने 3 तो ये आ गया जी 195 अपॉन में जी 4. आगे सॉल्यूशन करें तो डिवाइड का डिवाइड 4 2 7 14 और 1 15 अपॉन में डिवाइड का हमने कन्वर्ट कर दिया जी मल्टीप्लिकेशंस में, तो 195 अपॉन में 4 मल्टीप्लिकेशंस 2 अपॉन में 50. जब कट और जो वैल्यू आपस में कटिंग हो रही है इनको क्या कर दीजिए जी कट, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये वैल्यू आपस में कट हो रही है 15 1 जा 15 15 1 जा 15 रिमेन रहे जी 4 बने 45 53 जा 45. जब इनके आपस में सॉल्यूशन किया तो 13 अपॉन में 2 रुपीज ये अमाउंट है. इसका आगे अगर हम सॉल्यूशन करें तो 6 2 6 जा 12 रिमेन 1 अपॉन में 2, ये भी आपका आंसर है जी और ये भी आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा 10 नंबर. आपसे बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 3/4, इफ वन ऑफ देम 7 1/2 देन फाइंड द अदर नंबर. प्रोडक्ट का मीनिंग आपको होता है जी किसी टू नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, एनी टू नंबर्स मल्टीप्लिकेशन, यानी जो आपको दिया गया है हम राइट करें. तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 10 की, तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस. मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस आपको दिया गया है जी 3/4. आपसे बोला गया वन ऑफ नंबर, मैंने लिखा वन नंबर आपसे दिया गया है इसमें 7 1/2 7 1/2. आपसे बोला गया फाइंड अदर नंबर, तो मैंने लिखा फाइंड अदर. अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे बोलूं कि आपके पास दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन ये दिया गया है, उनमें से वन नंबर ये है तो सेकंड नंबर फाइंड कीजिए. तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इस नंबरिंग के अंदर इस नंबरिंग का डिवाइड करोगे या नहीं करोगे? हाँ जी करेंगे. तो आप भी इसी नंबर क्वेश्चन के अंदर इस नंबरिंग फ्रैक्शंस के अंदर इस फ्रैक्शंस का क्या कर दीजिए डिवाइड, और आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा. तो करें स्टार्ट. तो ये बोला गया जी आपको 3/4, ये थी टू फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट डिवाइड करना है किसका 7 1/2. कौन सी फ्रैक्शन है मिक्स, किसमें कन्वर्ट कर लें सिंपल में, तो ये रहा 3/4 डिवाइड 2 7 जा 14 और 1 15 15 अपॉन में 2. कौन सी फ्रैक्शन है जी, फ्रैक्शन है और इसके मिडल में सिग्नल डिवाइड का, तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लिकेशन 2 अप चला जाएगा 15 का हो जाएगा जी डाउन, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 5 जा 15. जब इनका सॉल्यूशन करें तो 1 का 1 से क्या 1, 2 को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया 10, तो सेकंड नंबर क्या होगा जी 1 अपॉन में 10. कर सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन, ट्राई करना जी हो जाएगा आपसे. तो आज हमारे क्वेश्चन में जी 10 रिमेन क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट योर नोटबुक.
as your homework.